गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों का गया गाइडेंस प्रोग्राम में वर्चुअल स्कूल गया के अंतर्गत राम रुचि स्कूल में मेरा ये पहला क्लास है और मैं आपके बीच डॉक्टर अनीता कुमारी आज लीव एंड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट लीफ के बारे में कि प्लांट, इसके मेरा पिछला क्लास रूट और स्टेम पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं पढ़ी हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकती हैं, देख के आप उसको आगे पढ़ लीजिएगा। और आज ही हम लोगों का एक नया चैप्टर होगा लीफ मॉडिफिकेशंस, हाँ, और इन्फ्लोरेसेंस। ये तीन हम लोग डिटेल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि इस धरती पर इतना सुंदर प्राकृतिक का देन है ये पेड़ पौधा, ठीक है ना। बहुत तरह के पेड़ पौधा आप इस यहाँ देखे होंगे जिसमें बहुत सारी हरी हरी पत्तियाँ, पीली हुई पत्तियाँ, रंग बिरंगी कलरफुल, कुछ गाढ़े रंग के, कुछ उससे हल्के रंग के आपको पत्तियाँ दिखाई देंगी। उनके अरेंजमेंट हैं, वो किस तरह से इस पे आपके पेड़ पे वो अरेंज होते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। और ये पत्तियाँ इस पेड़ के लिए क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो पहले जानेंगे कि इस पेड़ का बेसिक फीचर क्या है, ठीक है। जो ये पत्तियाँ हैं कहाँ से डेवलप करती हैं और इस पेड़ के लिए ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती हैं जानने का कोशिश करेंगे। जैसे कोई भी सीड जब आप लगाते हैं और वो पनपता है, एक छोटा सा पौधा में आएगा, तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी पत्ती लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा। नज़दीक से देखना होगा, ऐसा नहीं कि आप दूर से चाहेंगे कि हम इन चीज़ों को देखें तो दिखाई देगा, नज़दीक से देखना होगा। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये छोटे छोटे डेवलपिंग टिश्यूज सेल होते हैं जिसका नाम, यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन्स होता है जो बढ़ने में हमारी मदद करता है और इसको हम कहते हैं एपिकल बर्ड BUD। ये एपिकल बर्ड जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेगा ये पत्तियाँ इस पत्ती की तरह दिखाई देने लगेंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें ऐसे, लेकिन ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे एपिकल बर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये डेवलपिंग सेल है जिसमें जहाँ ऑक्सिन हार्मोन्स होता है और ये है आपका एपिकल बर्ड। आप ध्यान देंगे कि जो ये पत्ती है यहाँ, जो ये लीफ है यहाँ पे, ये बनेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये लीफ भी बड़ा होगा, ठीक है। इससे जस्ट छोटा ये लीफ होगा, यहाँ जो बना वो इससे छोटा होगा, यहाँ जो बना वो इससे भी छोटा होगा। कहने का मतलब, जैसे जैसे ये एपिकल बर्ड ऊपर की ओर बढ़ता चला गया, ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, ये पत्तियाँ नीचे की ओर जाएंगी। जो सबसे नीचे की पत्ती होगी वो सबसे बड़ी होगी, उससे जस्ट ऊपर वाला उससे छोटा, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा होगा उसको हम यंग लीफ के नाम से जानेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ओल्ड लीफ के नाम से जानेंगे। कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सबसे ऊपर उसको हम यंग लीफ बोलेंगे, जो सबसे नीचे वो ओल्ड, और ओल्ड लीफ जो होगा वो बड़ा होगा। और इसको ये जो आपका अरेंजमेंट हुआ बड़े और छोटे पत्तियों को, इसको हम एक्रोपेटल के नाम से जानते हैं, एक्रोपेटल का मतलब बड़ी पत्तियां नीचे, छोटी पत्तियां ऊपर। एपिकल सेल के जस्ट नीचे जो पत्तियां, एपिकल बर्ड के जस्ट नीचे जो पत्तियां होंगी वो छोटी पत्तियां होंगी, जो आपके नोट पे नीचे नीचे पत्तियां होंगी वो बड़ी पत्तियां। और इस अरेंजमेंट को एक्रोपेटल के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि एक्रोपेटल किसे कहते हैं, हो सकता है यंग लीफ, ओल्ड लीफ,
है ना, कुछ भी, या रेसिमोस, साइमोस, कुछ भी चार ऑप्शन देगा, लेकिन आप लिखेंगे इस अरेंजमेंट को एक्रोपेटल कहते हैं। और ज़्यादातर आपको ट्वेल्थ का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस इन बातों को। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्लांट का बेसिक फीचर हुआ। तो क्या क्या हुआ, एक तो इसमें एपिकल बड होगा, दूसरा ये जब भी होगा टिप पर होगा, चाहे ब्रांच के टिप पे हो या स्टेम के टिप पे हो, लेकिन ये जब भी होगा टिप पे होगा। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि सिंगल लीफ, एक लीफ, कोई भी एक लीफ का क्या, उसमें क्या क्या पाया जाता है और उसके क्या क्या फंक्शन है। इस पत्तियों को पांच भाग में बांट दिया गया, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा वेनेशन, तीसरा टाइप, चौथा फेलोटैक्सी और पांचवा मॉडिफिकेशन। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन से पूछता है, चाहे रूट का मॉडिफिकेशन हो या स्टेम का मॉडिफिकेशन हो या लीफ का मॉडिफिकेशन हो। इसलिए पढ़ना तो बहुत है, लेकिन हम कंपिटिटिव व्यू से अगर हम पढ़ते हैं तो ये मॉडिफिकेशन पे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, फोकस भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन पे होगा। तो हम जानेंगे लीफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लीफ बना रखा है, ये है आपका मेन स्टेम, ठीक है। हर स्टेम में ये नोड होते हैं, ठीक है ना, हर स्टेम पे ये नोड होगा और हर नोड पे आपको लीफ मिलेगा। ठीक है, हर नोड पे आपको लीफ मिलेगा ऐसे। और हर लीफ के पास ये एक्जिलरी बड होंगे। इस तरह से आप देखेंगे, आपको हमने मटेरियल दिया है और अभी हम आपको दिखाते भी हैं, यहाँ पे ये एक्जिलरी बड होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसको कहते हैं एपेक्स, या इसको हम टिप भी बोलेंगे, ठीक है। ये है आपका मार्जिन, जिसको किनारा बोलते हैं, ठीक है ना, इसको टिप बोलते हैं, मतलब अंतिम सिरा जो हुआ, मुख्य बिंदु जो होगा उसको एपेक्स बोले, ये मार्जिन हुआ। इसको हम मिड रिब बोलते हैं, मध्य सिरा, इसको हम वेन बोलते हैं, वेन्स। ये हो गया आपका पेटियोल, जिसको हम डंठल के नाम से जानते हैं, और ये है आपका एक्जिलरी बड। इस एक्जिलरी बड के पास आप देखेंगे कि इस तरह से छोटा सा पतला सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ऐसे, अभी हम आपको दिखाएंगे। इसको हम स्टिपल बोलते हैं, स्टिपल, ठीक है। और ये आपका स्टेम हो गया। ध्यान से सुन लीजिए, एक लीफ में सबसे पहले एपेक्स होगा, जिसको हम टिप के नाम से भी जानेंगे, फिर ये इसका किनारा हुआ मार्जिन, ठीक है ना, ये बीच वाली जो मोटी सी शिरा दिखाई देगी जिसको हम मिड रिब के नाम से जानते हैं, उसमें पतली पतली नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिसको हम वेन्स के नाम से जानते हैं, फिर ये है डंठल जिसको पेटियोल बोलते हैं, और डंठल के पास जहाँ से ये नोड है वहाँ पे एक एक्जिलरी बड होगा, हरा सा छोटा सा निकलता है, जहाँ से आपको हमेशा स्टेम, फिर यहाँ से लीफ निकलेंगे, फिर यहाँ पे फ्लावर भी बन सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, लेकिन जब भी निकलेगा एक्जिलरी बड से ही निकलेगा, ठीक है ना। और इसी एक्जिलरी बड के पास आपको दो पतले से हरे रंग के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जिसको हम स्टिपल के नाम से जानते हैं। चलिए दिखाते हैं, जानने का हम कोशिश करें। सबके पास हमने लीफ दिया है, ये देखिए लीफ है, ठीक है। ये हो गया आपका पेटियोल, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसी से दिखाते हैं। ये हो गया आपका पेटियोल, ठीक है।
ये है आपका लीफ, ये मोटा सा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसको हम मिडरिब के नाम से जाने, इस टिप को हम एपेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये है आपका मार्जिन और ये पतली पतली वेन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और जहां पे ये पेटियोल टच किया, जहां पे ये पेटियोल टच किया जुटा इस स्टेम से, उस जगह को हम बोलते हैं लीफ बेस। ये जो पॉइंट है हम यहाँ पर बनाते हैं इसका नाम है लीफ बेस, मतलब लीफ का आधार कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो स्टेम के जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ है उसको हम लीफ बेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जहाँ जुड़ा उसको कहेंगे लीफ बेस, ठीक है। और आपके आपको हमने मटेरियल मतलब दिया है, आप देखिए ध्यान से, जहाँ से लीफ निकला हुआ है, जहाँ जहाँ लीफ निकला हुआ है वहाँ पर पतली पतली देखिए एकदम ग्रीन, एकदम देखिए ये ग्रीन, आप अपने इसमें देखिए, आप इसमें देखिए एकदम ग्रीन कलर का यहाँ पे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसी को हम स्टिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिपल बोलते हैं। देखिए दिख गया, दिख रहा है ना, इसको आपको हम दिए हैं, आप देखिए इसी को स्टिपल बोलते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये सभी में नहीं मिलता, ये स्टिपल सभी में नहीं मिलता, जानने का कोशिश करें इसका फंक्शन क्या है। जैसे ये ब्रांच निकलना, एपिकल टिश्यूज जो बर्ड जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो प्रोटेक्शन का काम, चूंकि चाहे वो लीफ हो या बर्ड होंगे या जो कुछ भी होंगे इस प्लांट्स में, वो कोमल होते हैं तो ये हवा से पानी से इंसेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो वह जस्ट लाइक एक सोपिस, बस इसके अलावा उसका कोई काम नहीं, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है। जब ये अपने पूर्ण रूप से पूरे अपने स्ट्रक्चर्स में बड़े हो जाते हैं तो इसका फंक्शन कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि इस लीफ को हम लोगों ने तीन बार पार्ट में बांट दिया, इस पत्ती को हमने तीन भाग में बांटा। यहां बनाते हैं, यह है लीफ, ध्यान से समझिएगा, यह है आपका लीफ। यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेमिना, एक भाग। कहने का मतलब इस एपेक्स से लेकर इस पोर्शन तक, ठीक है ना, जहां पर पेटियोल इंड कर रहा है, ये पूरा इसके अंदर एपेक्स आएगा, मार्जिन आएगा, मिडरिब आएगा, वेन्स आएंगे, वेन्स आएंगे, ये पूरा चारों पांचों जहां तक आया इसको हम लेमिना कहते हैं। और लीफ का सबसे बड़ा पोर्शन ये लेमिना होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक पोर्शन आया, ये इसको कहते हैं पेटियोल, ठीक है, डंठल जिसको बोलते हैं। और ये है पोर्शन जहां पे स्टेम से ये जुड़ा हुआ है, इसका नाम है लीफ बेस। तो लीफ को तीन भाग में बांट दिया गया, लेमिना, पेटियोल एंड लीफ बेस। और हम लोग एक एक करके जानने का कोशिश करेंगे कि किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकती हैं। देखिए ये है आपका स्टेम, ये, और ये है नोड। हर नोड से आपका लीफ निकलेगा, ठीक है ना, हर स्टेम के हर नोड से ये लीफ निकलेगा, तो इसका नाम हो गया नोड, ठीक। दो नोड के बीच के पोर्शन को हम कहते हैं इंटर नोड, इसको हमने स्टेम पढ़ाते समय पढ़ा दिया है। और यहां पे हम एक लीफ बनाते हैं, आप धरती पे बहुत तरह से लीफ देखे होंगे, लेकिन लीफ का मार्जिन दो तरह से दिखेगा,
यहाँ तो एकदम आपको ये स्मूथ दिखेगा, एकदम चिकना, ठीक है। या फिर हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज, उड़ोल जिसको बोलते हैं, उस तरह से ये कटा हुआ दिखेगा। दो ही तरह का मार्जिन दिखेगा, या तो थोड़ा दांत की तरह जिगजैग में दिखाई देगा और नहीं तो स्मूथ दिखाई देगा। दो तरह की पत्तियां इस धरती पे पाई जाएंगी, वो जो हम पहला लीफ बनाए थे वो, दूसरा हम ये लीफ बनाए हैं ये, ठीक है। तो जान इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पूरे पोर्शन को, मतलब यहाँ से यहाँ तक को हम लीफ लेमिना के नाम से जाने, ठीक है। ये जो पोर्शन हुआ ये इसको हम कहते हैं मिड रिब, ठीक है। ये हो गया एपेक्स, या हम इसको टिप भी बोल दिए, ठीक है ना। यहाँ पे निकला स्टिपल, जो अभी हमने आपको दिखाया है, देखे थे ना स्टिपल। ये है आपका पेटियोल और ये है एक्जिलरी बर्ड, यहाँ भी मिलेगा एक्जिलरी बर्ड, यहाँ मिलेगा एक्जिलरी बर्ड। आप ध्यान से देखेंगे, एक्जिलरी बर्ड हमेशा या तो ब्रांच या फ्लावर, ठीक है ना, या तो ब्रांच या फ्लावर। जैसे देखिए इस अमरूद में बहुत अच्छा है ये लीफ, यहाँ पे होता है एक्जिलरी बर्ड और ये देखिए छोटा सा ब्रांच निकाल रहा है ना, देखे ये धीरे धीरे ये एपिकल बर्ड आपका आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा एपिकल बर्ड, ऊपर में सारी छोटी छोटी पत्तियां, नीचे वाली पत्तियां बड़ी हैं। ये जैसे जैसे ब्रांच आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, ये पत्तियां बड़ी होती चली जाएंगी, एपिकल बर्ड वाली पत्तियां छोटी छोटी होती चली जाएंगी। तो जहां पे एक्जिलरी बर्ड होंगे वहां से ब्रांच निकलेगा, कंफ्यूजन नहीं है ना, समझ में आया। ये है आपका लेमिना और ये है आपका मेन स्टेम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम इसमें देखेंगे कि हमको क्या क्या मिला, एपेक्स जो टिप है, दूसरा लीफ लेमिना, इसका मार्जिन जो होता है, ये जो मार्जिन आपका हुआ चाहे स्मूथ हो या इनसिजर, दोनों कटा हुआ हो या स्मूथ हो, इसके मार्जिन पे सबसे ज्यादा स्टोमाटा पाया जाता है। जब आप इसका सेक्शन कटिंग करेंगे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्टोमाटा आपको इसी मार्जिन पे सबसे ज्यादा स्टोमाटा दिखाई देगा, ठीक है। और ये है आपका जो मिड रिब, इस पे वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। और ये जो वेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस पे भी पाया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट का वाटर मिनरल्स को पत्ती के हर पिगमेंट तक, हर सेल तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है, प्लांट की मदद करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। और देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं, एक्सपोज करते हैं इस प्रकृति को अपनी पत्तियां, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। हम इन सब को हटा देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इन सब को हटा देते हैं। और इसके बाद आएगा हमारा पेटियोल। एक ही चीज़ बार बार लिखने का मतलब नहीं बनता है, आप लिखे होंगे या स्क्रीनशॉट लिए होंगे या फिर आप मेरा वीडियो देख के आप इसको ले लेंगे। ये है आपका पेटियोल, ये पोर्शन जिसको हम हिंदी में डंठल बोलते हैं, ये डंठल, इसका क्या काम है, इसका काम है मेन स्टेम से पत्ती को दूर तक ले जाना, ठीक है ना। तो ये डंठल किसी में छोटा होगा, किसी में थोड़ा बड़ा होगा, और ये पत्ती को आगे की ओर इस तरह से गिरा दिए और ये स्टेम पहला तो इस पे अरेंज हुआ सपोर्ट देने के लिए हुआ, दूसरा ये जितना हिलेगा फ्लटर, जितना ये मूव करेगा, हवा चली तो ये हिलने लगा, इसमें जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, इस तरह से हिलेगा, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ये डंठल नहीं होता, डायरेक्ट स्टेम और यहां से ये पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, तो हम ये डंठल है,
ठीक है ना। और ये फ्लटर का काम करता है, और जितना ज़्यादा इसमें आपकी पत्तियाँ हिलेंगी उतना ज़्यादा इसमें ट्रांसपिरेशन होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिसमें ये डंठल नहीं हुआ, डायरेक्ट स्टेम और लीफ होगा, उस पत्ती को हम सेसाइल के नाम से जानते हैं, सेसाइल। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेटियोल का क्या फंक्शन है, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक चीज़ और, ये पत्तियाँ जब इस तरह से डंठल से आगे की ओर, स्टेम से आगे की ओर मुड़ती हैं, तो सन का रेज इस पर पड़ता है और फोटोसिंथेसिस होने में ज़्यादा मदद मिलता है। तो सबसे पहले ट्रांसपिरेशन, जितना ये फ्लटिंग करेगा उतना ज़्यादा इसमें ट्रांसपिरेशन होगा। दूसरा, ये जो ओपनली इस तरह से बाहर की ओर रहते हैं, इस तरह से डंठल के साथ इस तरह से बाहर, जिस पर सन का रेज पड़ता है, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होता है, इसको सन का लाइट मिल जाता है। तो दो काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसका, पेटियोल का। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, लीफ बेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान। लीफ का लेमिना हम लोग पढ़ लिए, पेटियोल हम लोग पढ़ लिए, अब तीसरा है उसका लीफ बेस, ठीक है ना। लीफ बेस के बारे में हम जानेंगे कि वो होता कैसा है। ये अभी हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि जहाँ से नोड है, जिस नोड से ये लीफ निकला, जहाँ एक्जिलरी बड है, इस पॉइंट को हम लीफ बेस बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, ठीक है ना। किसी किसी में आप देखेंगे, जैसे इस प्लांट में आप देखेंगे, ये पत्ती, इसका पेटियोल जहाँ पे ये जुटा हुआ है, एकदम स्टार्टिंग में फूला हुआ होगा, थोड़ा स्वेल, थोड़ा सा मोटा फूला हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन ये अमरूद अमरूद की पत्तियाँ में आपको नहीं दिखाई देगा, एकदम सिंपल है, जैसा डंठल होता है उस तरह से होता है। और किसी किसी में आप देखेंगे, जैसे मोनोकॉट फैमिली में देखेंगे, ग्रास में आपको दिखाई देगा ये, इसके ऊपर से ये कवर रहता है, ठीक है ना। तो जिस जहाँ पे डंठल थोड़ा स्वेल किया, उसको पुलवेनस के नाम से जानते हैं। और मोनोकॉट फैमिली में, ग्रास में आप देखिएगा बहुत ध्यान से, ये है आपका मोनोकॉट का प्लांट, ठीक है, ये है आपकी पत्तियाँ, अल्टरनेट करके ये पत्ती है। और हम इसको निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको निकालेंगे तो ये देखिए, ये पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन जो स्टेम को कवर किए हुए था, इसको हम लीफ सिथ के नाम से जानते हैं, लीफ सिथ, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, ये तो आपका मोनोकॉट का प्लांट हुआ, डायकॉट का प्लांट हुआ, और ये पोर्शन यहाँ पे ऐसे स्वेल कर गया, ऐसे यहाँ पे हल्का सा ये फूला हुआ, ऐसे फूला हुआ, तब ये डंठल, फिर यहाँ पे ये पत्तियाँ। मोनोकॉट के प्लांट में ऐसा नहीं होता है, आप देखेंगे ये लीफ, यहाँ से ऐसे लीफ है इस तरह से, ठीक है ना, और ये कवर किया हुआ रहता है, ये जिसको हम लीफ सिथ के नाम से जानते हैं, लीफ सिथ। ये अभी हमने आपको निकाल के दिखाया, बहुत सुंदर। आप अभी आप रोड पर जाएं, अपने घर जाएं, घास दिखाई देगा बहुत अच्छे से, देखिए ये लीफ सिथ आपको दिखाई देगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, प्यारा सा है ये लीफ सिथ। तो लीफ बेस को दो भाग में बांटा गया, एक पुलवेनस, दूसरा लीफ सिथ, ठीक है। दोनों का क्या काम है, जो पुलवेनस होता है उसका फंक्शन है कि जिस प्लांट में पानी की थोड़ी सी कमी हो गई है ना, तो उसको वो पानी की कमी होने की वजह से वो वहाँ पे फूल जाता है, ठीक है ना, ठीक है, फूल गया। और लीफ से जो है प्रोटेक्शन का काम करता है, और वो स्टेम को इस तरह से कवर किए हुए रहता है। तो जहाँ पे लेवल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये हमारी मदद करता है, इस प्लांट्स का ये मदद करता है। तो दो तरह का हुआ, एक पुलवेनस, दूसरा लीफ सिथ, इसको कह दिए पुलवेनस। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जानने का कोशिश करेंगे कि ये स्टेम पे अटैच्ड हुआ, इसमें स्टिपल भी पाए गए, पुलवेनस भी हुआ, और लीफ सिथ, चार चीज, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेस, लीफ बेस का चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर हो गया, और इसको दो भाग में बांट दिए। हमारा टॉपिक है, पहला स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना हुआ हम लोग ख़त्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे वेनेशन। क्या पढ़ेंगे, वेनेशन।
धरती पे दो तरह के प्लांट्स के ग्रुप होते हैं, एक है डायकॉट, दूसरा है मोनोकॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायकॉट, यहाँ पर लिख देते हैं मोनोकॉट। ठीक है, हम लोग बनाते हैं कि डायकॉट की पत्तियाँ कैसी होती हैं, हर नोड से निकलेगा, बार बार एक ही बात नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, कि हर नोड से लीफ और वहाँ पे एक्जिलरी बड, वहाँ से ब्रांच, ठीक है ना। हम डायरेक्ट यहाँ पे एक लीफ बनाते हैं, यह है लीफ, ठीक है, यह है आपका वेनेशन। इसमें फिर छोटी छोटी पतली पतली सिराएं होंगी, आपके पास लीफ है, आप उस लीफ में देख सकते हैं, डॉर्सल व्यू से आप देखिए, उल्टा करके पत्ती को और देखिए, ये सिराएं आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देंगी। डायकॉट प्लांट में इस तरह का जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है ना, पहला मोटा सा मध्य सिरा, फिर उससे निकले हुए बहुत सारे वेन्स होंगे, उस वेन से भी पतली पतली सिराएं होंगी जिसमें वस्कुलर बंडल मौजूद है, उस वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होगा जो हमारे वाटर मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी मदद करता है। और डायकॉट के लीफ में हमेशा इसी तरह का वेनेशन देखने के लिए मिलेगा जिसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब है मोनोकॉट, मोनोकॉट की पत्तियाँ, ये ग्रास है, ठीक है ना। और मोनोकॉट में दो तरह के प्लांट्स मिलेंगे, दो तरह के लीफ आपको दिखाई देंगे। एक तो लीफ आपको इस तरह से दिखेगा जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा, लंबा लंबा, ठीक है। दूसरा लीफ आपको इस तरह से दिखेगा जिसकी पत्तियाँ ऊपर में ब्लंट होंगी, ये मध्य सीधा जैसा दिखाई देगा, लेकिन इससे ऐसे। केला का पत्तियां आप देखे हैं, केला जिसको बनाना बोलते हैं, उसमें इस तरह के वेनेशंस दिखाई देंगे। और सारे ग्रास में आपको इस तरह का वेनेशन दिखाई देगा जिसको हम पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वेनेशन दो तरह का ज्यादा नहीं पढ़ना है, डायकॉट और मोनोकॉट। जितने भी डायकॉट होंगे, एक दो एक्सेप्शनल है जिसको छोड़ दीजिए, लेकिन ज़्यादातर जितने भी डायकॉट प्लांट होंगे उसमें रेटिकुलेट वेनेशन, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन भी दो तरह से दिखाई देगा, बनाना के ट्री में अलग और ग्रासेस में अलग। आगे बढ़े हम लोग, हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टाइप ऑफ लीफ। लीफ दो तरह का होता है, एक होगा सिंपल लीफ, दूसरा होगा कंपाउंड लीफ। तो पहले हम लोग बना लें इस टाइप ऑफ लीफ दो तरह का, एक होगा सिंपल लीफ, दूसरा होगा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ, अभी जितना फिगर बनाते चले गए वो सिंपल लीफ का फिगर था, ऐसे ये है आपका सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ ध्यान से समझिएगा, ये है आपका स्टेम, ये है आपका नोड, हर नोड से आपको लीफ निकलेगा। तो मान लीजिए ये आपका लीफ है, हम पहले इसको ऐसे बना देते हैं, और ये है वेन, इस वेन को ऐसे ऐसे मिलाते हैं इसमें। देखिए सिंपल लीफ तो एकदम सिंपल है, चाहे इसका मार्जिन आपका कटा हुआ दिखेगा या स्मूथ दिखाई देगा, ये है आपका सिंपल लीफ। इसमें देखिएगा कभी कभी कंपाउंड लीफ, कभी कभी नहीं, जनरली कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि ये है आपका, ये है आपका पेटियोल, और ये यहाँ से आया और ये जो कट है, ये कट इसमें आके सट गया, ठीक है, फिर ये कट इसमें आके मिल गया, फिर ये कट
इसमें आके मिल गया, फिर ये कट इसमें आता गया और ये मिलता चला गया। ये देखिए ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। ये पत्ती जहाँ पे इस तरह से कट है, इंसीजर की तरह आपको जो पत्तियाँ दिखाई देती हैं, कहाँ चला गया, खैर कोई बात नहीं, इंसीजर की तरह ये पत्तियाँ दिखाई देती हैं और हर कट अगर आपके मिडरिब से जाके मिलता चला गया तो ये एक एक लीफ जैसा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाया, लेकिन हम इस पूरे को लीफ बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन इन इन हर सिंगल सिंगल को हम लीफलेट बोलेंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तब यहाँ पे जो ये मिड रिब है, ये जो मिड रिब है यहाँ पे, इसको मिड रिब के नाम से हम नहीं जानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे का नाम हो जाएगा रिचेस। कोई कन्फ्यूजन, फिर से समझना, समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पे ये मिड रिब तब तक होगा जब सिंगल लीफ होगा, जैसे इसका कट मिड रिब से टच करता चला गया और एक एक छोटा छोटा पत्तियां बनाता चला जाएगा, तो यहां से लेके डंठल जहां पे खत्म हुआ और लीफ का ये लेमिना जहां से शुरू हुआ, यहां से लेके यहां तक को हम मिड रिब बोलते हैं। लेकिन यहां पे जैसे ये सिंगल सिंगल लीफ बनाता चला गया, छोटी छोटी पत्तियां बनाई, जिसको हम लीफ लेट बोलते हैं, और मिड रिब का नाम बदल के रेचिस कहलाया। तो हम देख लें कैसा होता है। ये हुआ आपका सिंपल लीफ, देखिए सिंपल लीफ, ठीक है ना, इसमें कट है लेकिन मिड रिब से जाकर टच नहीं किया, तो ये एक सिंपल लीफ हो गया। और इसमें देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लीफ कहलाया, लेकिन हर एक लीफ आपका लीफलेट कहलाया, देख रहे हैं ना, हर एक लीफ आपका लीफलेट कहलाया। और ये कंपाउंड लीफ का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जो आपके सामने ये हम दिखा रहे हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एक चीज और यहीं पे समझते हैं, यहाँ पे अगर एक एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है ना, तो ये पूरा एक सिंगल लीफ कहलाया, ठीक। अगर यहाँ बनाते हैं फिर से, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है और इस तरह से बहुत सारे आपके आपको लीफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे ये है आपका रेचिस, ठीक है ना, और ये है आपका लीफ। अगर यहाँ एक्सिलरी बर्ड है तो ये पूरा का पूरा हमको एक लीफ कहलाया और ये लीफलेट कहलाया, ठीक है। लेकिन अगर हर लीफ के पास, यहाँ ये लीफ है, यहाँ से ऐसे ब्रांच निकल गया, फिर यहाँ ऐसे लीफ, ऐसे लीफ, आई बात समझ में। तो यहाँ अगर एक्सिलरी बर्ड मिला और ये इस तरह से फिर निकला तो फिर ये एक लीफ कहलाया, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे निकला सिर्फ एक, ठीक है ना, और हर के पास, तो ये एक सिंगल लीफ कहलाया। नहीं समझे, फिर से समझाएं, देखिए इसको हम मिटाते हैं। ये है आपका रेचिस और यहाँ है आपका लीफ, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। अगर यहां से ऐसे ब्रांच निकल गया, ठीक है, ये ब्रांच निकला फिर यहां पे ऐसे लीफ निकला, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा सिंगल लीफ कहलाया, ठीक। अगर इस ब्रांच में यहां यहां एक लीफ निकला, एक्जिलरी बर्ड है, फिर यहाँ एक्जिलरी बर्ड है, फिर यहाँ एक्जिलरी बर्ड है, तो हर एक सिंगल लीफ कहलाएगा, क्योंकि हर सिंगल लीफ के पास ये एक्जिलरी बर्ड है और यहाँ से ये क्या निकलेगा, ब्रांच निकलेगा। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह का जो आपको प्लांट्स दिखाई देंगे उसको बाईपिनेट के नाम से जानते हैं, और इस तरह के प्लांट को हम पिनेट के नाम से जानते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो आपको कंपाउंड लीफ में इस तरह के जो क्रॉस दिखाई देते चले जाएंगे ये बाईपिनेट कहलाएगा, और ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक देखिए, ये है कंपाउंड लीफ और ये देखिए बाईपिनेट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिख गया।
रहा एग्जाम्पल की बात, तो जो आपके एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसी एग्जाम्पल को याद कीजिएगा। ये सब एग्जाम्पल अगर लिखेंगे और आपके आंसर शीट में अगर वो नाम नहीं होगा तो सही आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ें, कंपाउंड लीफ में और भी आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, ये है आपका स्टेम और ये है आपका नोड, ये है नोड, यहां पे ग्रुप ऑफ लीव्स ऐसे, यहाँ नोड है, यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ लीफ्स आपको दिखाई देंगे, ये भी कंपाउंड लीफ है। हर नोड पे एक से ज्यादा पत्तियों का होना, ये देखिए स्टेम मतलब ब्रांचेज है, ब्रांच जो निकला एक्सिस से एक्जिलरी बर्ड से, और देखिए हर नोड पे चार पत्ती, फिर उसके ऊपर गए इतनी सारी पत्तियां, फिर यहाँ पे एक्जिलरी बर्ड है ये ऊपर की ओर बढ़ा, ठीक है ना, फिर ये पत्तियां, तो ये भी एक कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जो हम सिंपल लीफ में आप चाइना रोज को देख सकते हैं, नीम देख सकते हैं, आप गुलाब देख सकते हैं, एकदम कॉमन है ना। आप अल्टरनेट में इन चीजों को, एक पत्ती यहाँ, दूसरी पत्ती यहाँ, फिर एक पत्ती यहाँ, तीसरी पत्ती यहाँ, आगे की ओर बढ़ता चला गया तो अल्टरनेट कहलाया। लेकिन सिंपल लीफ में एक और पत्तियां होती हैं ऐसे, एक तो यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसको अल्टरनेट बोले। लेकिन इसी स्टेम पर एक पत्ती यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे, तो इसको हम अपोजिट बोलेंगे, जो आपको इसमें देखने के लिए बहुत आसान से, अमरूद की पत्तियों में देखिए एक ही नोड पर दो पत्तियाँ और यहाँ पर देखिए एक्जिलरी बर्ड, फिर यहाँ से ब्रांच निकलेगा, फिर ये दो पत्तियाँ, तो ये अपोजिट। लेकिन डायकोट का ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है जिसको आप अच्छे से समझेंगे। एक और होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसको अकवन बोलते हैं, इसकी पत्तियां बहुत मोटी होंगी, इसको तोड़िएगा तो इसमें से लेटेक्स टाइप का दूध जैसा निकलेगा और ये भी पत्तियां मोटी, एक ही देखिए अपोजिट, जहां एक नोड है वहीं से यहां देखिए एक्जिलरी बर्ड और यहां से ये फिर ब्रांच निकलेगा और नया बनाते, अल्टरनेट और अपोजिट सिंपल में का आपका एग्जाम्पल होगा। कंपाउंड के एग्जाम्पल्स तीन तरह के हैं, वो हम आपको बता दिए। नेक्स्ट है, सॉरी, इसका एग्जाम्पल होगा रेशम का कीड़ा जिस पौधे पे पाया जाता है, सिल्क कॉटन, ठीक है ना, वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और ये बहुत रेयर मिलता है, सभी जगह ये नहीं मिलते, बहुत कम, इसकी संख्या सबसे कम, रेटिकुलेट वेनेशन सिंपल लीफ की संख्या इस धरती पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद है कंपाउंड लीफ का, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जानने का कोशिश करेंगे, जानिएगा कि सिंपल लीफ और जिसमें अल्टरनेट लीफ पाया जाता है ये धरती पर सबसे ज़्यादा, और ये सर्किल की तरह इस तरह से आगे की ओर मूव करते हैं और सबसे ज़्यादा सनलाइट इसी पर पड़ता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कालोटैक्सी। इस पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, फालोटैक्सी को तीन भाग में बांट दिए, अल्टरनेट, अपोजिट और रोल। अभी हम एग्जाम्पल भी आपको दिखा दिए कि अल्टरनेट में पत्तियां कैसी होंगी, सब पे एक्सिलरी बर्ड होगा, सब आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और बड़ा वाला जो आपका लीफ है वो नीचे, छोटा वाला लीफ ऊपर, तो ये है आपका अल्टरनेट, ये है आपका अपोजिट और ये है आपका रोल। ये जो हमने आपको दिखाया एकदम हर नोड पे ये गोल चक्र की तरह ये आपको रोल में दिखाई देंगे। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, चाइना रोज और सनफ्लावर आपका अल्टरनेट का होगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और अमरूद, ये है अमरूद ग्वावा जिसको बोलते हैं और ये है अकवन कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसको बोलते हैं, ये आपका अपोजिट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और रोल का जो अभी हमने आपको ये दिखाया सिल्क कॉटन, ये इसका एग्जाम्पल होगा, ये है फाइलोटैक्सी, ठीक है।
ठीक है ना, लीफ के अरेंजमेंट को देखकर इसको हम तीन भाग में बांट दिए और उसका एक डिपार्टमेंट कहलाया फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। प्याज तो सब कोई खाई होंगे और देखे भी होंगे, है ना। यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये है नोड और ये आपका प्याज का स्ट्रक्चर्स, ये है ओनियन। प्याज का जो पहला वाला छिलका हम हटाते हैं एकदम पिंक, जिसको छिलकर हम हटा देते हैं, फेंक देते हैं, उसको कहते हैं स्केली लीफ, ठीक है। जिसको हम खाते हैं उसको हम फ्लैसी लीफ के नाम से जानते हैं। और ये है आपका नोड, ठीक है ना, जो ग्रीन रंग की पत्तियां आपको यहाँ से दिखाई देती हैं वो स्टेम, जिसको हम हरी पत्ती के नाम से जानते हैं। चूंकि ये नोड से निकला, ये हो गया आपका स्टेम। इसकी पत्तियां पिंक कलर की, स्केली लीफ, जिसको खाते हैं उसको फ्लैसी लीफ, और ये है आपका नोड, ठीक है। और फ्लैसी लीफ का एग्जांपल ओनियन, गार्लिक, लहसुन भी होता है इसका एग्जांपल। दूसरा है लीफ ट्रेंडल, आज हमको उसका एग्जांपल ये तो नहीं मिला दिखाने के लिए तो नहीं मिला, लेकिन उसका अल्टरनेटिव भी हमको। लीफ ट्रेंडल दो तरह का होता है, एक स्टेम से निकलता है, दूसरा लीफ से निकलता है। स्टेम से जितना आप खीरा खाते हैं, कद्दू खाते हैं, नेनुआ खा रहे हैं, जितना भी लत्तर वाले पौधे आप देखें, यहाँ पे है उसकी ये पत्तियाँ और ये है एक्सिलरी बर्ड, जहाँ से स्टेम नहीं निकल कर, मतलब ब्रांच नहीं निकला और ये ट्रेंडल निकल गया इसमें, ये इस तरह से हमने हम कहीं लाए होंगे, ठीक है ना। लेकिन लीफ ट्रेंडल में ये स्टेम ट्रेंडल है, इसको कहेंगे स्टेम। पहचान, पहचान के लिए एक्सिलरी बर्ड से ये ट्रेंडल निकलेगा, लीफ ट्रेंडल नहीं कहलाया, ये स्टेम ट्रेंडल कहलाया। जितना कद्दू नेनुआ घिया जो आप खाते हैं वो सब इस ग्रुप का हुआ, ठीक है ना। लीफ ट्रेंडल देखिए, ये है आपका लीफ, इस नोड से ये पत्तियां निकली, ठीक है ना, यहां से नहीं निकलेगा, ये एक्सिलरी बर्ड से ब्रांच निकलेगा, लेकिन ये नीचे से ये ट्रेंडल निकलेगा। किस में पाया जाएगा? मटर में। मटर का पौधा जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि लीफ के जस्ट नीचे से, मान लीजिए ये मटर का पौधा है तो यहां से नहीं निकलेगा, इस पोर्शन से नहीं निकलेगा, ये पेटियोल के जस्ट नीचे जहां बेस है ना, उस जगह से ये ट्रेंडल निकलेगा। और मटर में यह बहुत अच्छे से आपको देखने के लिए मिलेगा, अब तो मटर का सीजन आ रहा है, आप आराम से उस प्लांट्स को देख सकते हैं कि उसमें लीफ ट्रेंडल कैसा होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पाइन, स्पाइन और थॉर्न दो तरह का, जिसको बोलचाल क्या ऐसे आप हिंदी में कांटा बोलेंगे, ठीक है ना। तो तीसरा मेरा एग्जाम्पल होगा स्पाइन, स्पाइन और थॉर्न दोनों दो तरह के होते हैं और इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि स्पाइन और थॉर्न में क्या अंतर है। एलोवेरा, जो अभी रामदेव बाबा बहुत प्रचार प्रसार कर चुके हैं और हर के घर में ये एलोवेरा आपको दिखाई देगा, ये देखिए इसका जो ये स्टेम है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मोटा हो गया है, फोटोसिंथेसिस का काम भी यही करता है, क्यों, जितना वाटर मिनरल्स जो है सब ये एब्जॉर्ब कर लिया, एक तरह का कैक्टस हुआ, ठीक है ना। और जो इसकी पत्तियां हैं ये देखिए दांत की तरह किनारे में अरेंज है, ये हो गया स्पाइन, एग्जांपल हुआ एलोवेरा, कंफ्यूजन नहीं है। एलोवेरा ये मोटा सा जो स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल गया, फोटोसिंथेसिस का काम यही किया और जितनी पत्तियां हैं स्पाइन में बदल गई। और थॉर्न किसको कहेंगे? नींबू में बोगनवेलिया का फूल अगर आप देखते हैं लत्तर, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जहां एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है ना, जहां एक्सिलरी बर्ड है वहां पर आप देखिए ये कांटा आपको दिखाई देगा, थॉर्न देखिए नींबू में आपको बहुत अच्छे से ये दिखाई देगा, ये थॉर्न कहां पे मिलेगा? एक्सिलरी बर्ड के पास आपको मिलेगा, ये पत्ती हुआ यहाँ पे आपको ये थॉर्न मिलेगा, ये नोड हुआ यहाँ, अगर पत्ती है तो यहाँ पे ये थॉर्न आपको
दिखाई देगा। तो नींबू है, बोगनवेलिया, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। तो थॉर्न और स्पाइन में यही अंतर है, ठीक है ना। इसमें पत्तियां खुद से फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी, इसमें स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पत्तियां छोटी हो जाएंगी, दांत जैसे छोटे छोटे कांटे की तरह हो जाएंगे, और इसका स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम करेगा एलोवेरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइलोड। ये भी मॉडिफिकेशन है, पेटियोल का ये मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। पेटियोल का ये मॉडिफिकेशन है, आप देखेंगे कि यहाँ जहाँ पे ये पेटियोल है ऐसे ऐसे नहीं होके ये यहाँ पे फूल जाएगा, तब ये थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये इसकी इसका साइज छोटा हो जाएगा, पत्ती का साइज छोटा होगा, और ये जो है फोटोसिंथेसिस का काम करना शुरू कर देगा। पेटियोल फूल के मोटा हो गया, फोटोसिंथेसिस का काम वही करने लगा, क्लोरोप्लास्ट की संख्या वहाँ ज़्यादा हो गई और लीफ का ये फंक्शंस नहीं हुआ, ठीक है ना। ये भी एक चेंजेज है आपका, जिसको हम फाइलोड के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइलोड क्या है, तो आप डरिएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा भी नहीं। और इसका एक ही एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। अकेसिया एक बबूल, बबूल को अकेसिया के नाम से जानते हैं, उसी का ये एक एग्जांपल होगा, जिसमें ये यहाँ बहुत कम पाया जाता है, बाहर पाया जाता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि उसका पेटियोल जो है सूज जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। ये पेटियोल का एक एग्जांपल होगा, और इसका लेमिना जो छोटा हो गया, पत्तियां एकदम छोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसको हम पीचर प्लांट के नाम, उसका एग्जांपल होगा पीचर प्लांट जो हम जानते हैं। देखिए ये स्टेम होगा, जहां से ये नोड होगा, और ये इसका जो पेटियोल होता है ना, वो देखिए इस तरह से ऐसे बन गया, ठीक। और जो इसका लीफ होता है वो यहां पे ढक्कन बन गया। सब जगह ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं ऐसा होगा, फिर आपको यहां पे पत्ती भी दिखाई देगी, ऐसा नहीं कि पत्तियां नहीं दिखेंगी, ठीक है ना। इस पीचर प्लांट्स में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जिस पत्तियों में इसकी कमी हो गई, उसकी वजह से इसका शेप चेंज हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड्स, अब बहुत ही सुगंध, मतलब खुशबू इसकी अच्छी लगती है इंसेक्ट को, और उस खुशबू के चलते कीड़ा मकोड़ा मधुमक्खी सब इसमें आएगा, और इसको चाटते हुए नीचे गया, और ये ढक्कन बंद हो गया, फिर वो उसी में गल गया और मर गया। ये है आपका पीचर प्लांट्स। पीचर प्लांट्स इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल होगा मॉडिफिकेशन का, इंसेक्टिवोरस प्लांट का, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा मॉडिफिकेशन लीफ में। पुलवेनस भी इसका एक एग्जांपल होगा, लीफ सिथ भी इसका एग्जांपल होगा, ठीक है ना। अभी ये पेटियोल भी हो गया, फाइलोक्लेट के नाम से जाने, इंसेक्टिवोरस भी हो गया। तो ये है आपका मॉडिफिकेशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडिफिकेशन से आएंगे। एनसीईआरटी के बुक में जितना भी एग्जांपल दिया चला गया है, उसी एग्जांपल को आप याद करेंगे, उसी एग्जांपल को आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा लीफ प्लांट लीफ खत्म हुआ, और हम लोग अब पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। एकदम थोड़ा सा है, जानने का कोशिश करें। इनफ्लोरेसेंस, ये फिगर तो आपको हम पहले भी बना के दिखा चुके हैं कि एपिकल बर्ड है, ये लीफ है, ये बड़ी पत्तियां ओल्ड लीफ कहलाई, छोटी पत्तियां यंग लीफ कहलाई, और ये है आपका एक्जिलरी बर्ड। एक्जिलरी बर्ड जो होता है उसे दो चीज निकलेगा, ये है आपका मेन स्टेम, ये हुआ आपका नोड, ये है आपका नोड, और ये हुआ एक्जिलरी बर्ड, ठीक है ना। एक्जिलरी बर्ड, एक्जिलरी बर्ड दो तरह के, इसका दो फंक्शन है। एक से तो या तो ये ब्रांच निकला, इससे या तो ये ब्रांच निकलेगा, ठीक है ना। ब्रांच निकला तो ये फिर पत्तियां, फिर हर पत्ती से फिर यहां से ब्रांच निकला, फिर पत्तियां, या फिर इससे ये ब्रांच निकला, यहां से ये पत्ती निकलती चली गई और यहां पे ये फूल बन गया, ठीक है। तो एक्जिलरी बर्ड
का दो फंक्शन, या तो ब्रांच या फिर फ्लावर, ठीक है ना। तो इन्फ्लोरेसेंस का ये बहुत ही अच्छा रोल है इस धरती पर। और इसका अरेंजमेंट, फूल का अरेंजमेंट जो होगा जिस ब्रांच पे या जिस अरेंज पे, तो इसको हम इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। फ्लावर का अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस कहलाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लावर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जाने ब्रांच के बारे में, तो हम बार बार हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग फूल के बारे में नहीं जाने। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है। ये देखिए, मेन स्टेम और यहाँ से एक्जिलरी बड नोड हुआ, हर इस पे नोड पे ये आपका लीफ बनेगा। ये है एक्जिलरी बड, ठीक है। यहाँ से ये एक ब्रांच निकला, यहाँ पे हम लीफ बना देते हैं, यहाँ पे बड़ी लीफ बनेगी ऐसे। ये है लीफ और ये है आपका फ्लावर। यहाँ से ब्रांच निकला, ये है आपका लीफ और ये है आपका फ्लावर। ध्यान से देखिएगा, एक्जिलरी बड से ब्रांच निकला और ऊपर में जाके फूल खिल गया, फिर वहां से वो ब्रांच ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। मतलब एक्जिलरी बड जो है आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, वो वहां पे एंड कर गया, ठीक है। एक तो आपको ऐसे प्लांट दिखाई देंगे, दूसरा प्लांट आपको दिखेगा ये आपका नोड, ठीक है। यहां से ये बड़ी वाली लीफ हो गई, ये है आपका एक्जिलरी बड, ठीक है। ये बढ़ता चला गया, फिर यहां से ये लीफ निकली, इस लीफ से फिर एक एक्जिलरी बड निकला और ये फिर एक ब्रांच हुआ, ठीक है ना। इस ब्रांच में यहाँ पत्ती, यहाँ पत्ती, यहाँ भी पत्ती, यहाँ भी पत्ती, यहाँ भी पत्ती, ऐसे लीफ हम बनाते चले जा रहे हैं, देखिए, ठीक है ना। और यहाँ से फिर ब्रांच निकल गई, फिर यहाँ पे से पत्ती, ये फूल बड़ा सा, ठीक है ना, इससे छोटा ये फूल, फिर इससे ब्रांच निकल गया तो यहाँ पे छोटा, ठीक है। पहला फूल जो होगा वो बड़ा, दूसरा फूल उससे छोटा, तीसरा फूल सबसे छोटा। एक तो प्लांट आपको इस तरह से देखेंगे, दूसरा एक ही एक्जिलरी बड से निकला और एक ही ब्रांच पे एक ही फूल खिला और वो खत्म हो गया। इसमें देखिए, एक ही ब्रांच से निकला, यहाँ से एक्जिलरी बड से निकला, यहाँ पर फूल खिल गया और ख़त्म हो गया। नीचे वाली पत्तियाँ बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, ये यंग लीफ कहलाया और ये ओल्ड लीफ कहलाया। ये हो गया आपका एक्जिलरी बड और ये देखिए आपका फ्लावर हुआ, ठीक है ना। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम पेडेंकल के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब, पत्ती के डंठल को पेटियोल कहेंगे, फ्लावर के डंठल को पेडेंकल कहते हैं। दोनों का मतलब डंठल ही होगा, फूल में पाए तो पेडेंकल, और पत्तियों में पाए तो पेटियोल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक मिनट। और हम ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट, ये आपके रेसिमोज में, रेसिमोज का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उड़हुल में आप देख सकते हैं, ब्रांच निकला, फिर एक फूल निकला, फिर ब्रांच निकला, फिर फूल निकला, जो सबसे ऊपर में खिला और नीचे में फिर बड़ा रहा, ऊपर में कली निकलता चला गया और खिलता चला गया। तो रेसिमोज का ये बहुत ही अच्छा ये एक एग्जाम्पल है। और इसमें देख लीजिए, ये है आपका बर्ड जिसको हम फ्लोरल एक्सिस के नाम से जान रहे हैं, मतलब जो एक्जिलरी बर्ड से ब्रांच निकला और उसमें फूल खिल गया, उसका हम नाम दिए फ्लोरल एक्सिस, ठीक है ना। इनडेफिनिट इसके ब्रांच कितने भी निकलते हैं, हर एक्सिस से एक एक ब्रांच निकलता चला गया, फूल खिलता चला गया, खूब सुंदर से आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम एक्रोपेटल, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक्रोपेटल के नाम से हम जानते हैं। दूसरा इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी और साइमोज के नाम से हम जानते हैं। तो हम देखेंगे कि सोलिटरी और साइमोज में क्या होता है। सॉरी, ये एग्जांपल सोलिटरी का है। एक फ्लोरल एक्सिस निकला, वहां पर सिर्फ एक फूल खिला,
सोलिट्री का, और ग्रुप ऑफ फूल्स जो दिखाया कि बड़ा फूल पहले, उससे छोटा फूल, उसके बाद तीसरा जो है सबसे छोटा फूल खिला, ये आपका साइमोज का उदाहरण होगा। क्योंकि एक एक फ्लोरल एक्सिस निकला, फिर उससे दूसरा निकला, फिर एक निकला, फिर उससे दूसरा निकला, तो इसका नाम है बेसिपेटल। ठीक है ना, हर बेस से, हर अरेंजमेंट से, वो हर एक्सिस से एक एक फ्लावर्स का फ्लोरल पार्ट्स निकलता चला गया और फूल वहाँ पे एंड होता चला गया। देखिए ये साइमोज का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखिए देखिए, लीफ के पास से ये फ्लोरल एक्सिस निकला ना, और यहाँ पे ये एंड हो गया, दिख रहा है ना। तो ये साइमोज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर ये आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर ख़त्म। फिर ये ऊपर से, और देखिए ये एपिकल बर्ड है, फिर यहाँ से आगे की ओर पत्तियाँ निकलती चल जाएंगी, फिर एक फ्लोरल एक्सिस हुआ, फिर वहाँ पे गुच्छे में फूल खिल जाएंगे। तो ये आपका साइमोज का है। उड़हुल के फूल में आपको रेसिमोज का आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखाई देगा। और इस तरह से मेरा ये क्लास ख़त्म हुआ। अगर आपको कहीं पर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे, हम उसका आंसर देंगे। और बार बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा वो आपका दूर होगा। थैंक यू वेरी मच।